इतना मोटा मोटा इतना विशाल अजगर है ये अजगर, देखिए वहाँ लिखा हुआ है अजगर, ये अजगर है। तो पार्ट वन में यहाँ तक हम लोग कवर किए थे, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। पटना चिड़ियाघर का हम लोग वीडियो देख रहे हैं और अलग अलग पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो उसी का सेकेंड पार्ट है, पूरा देखिए, इंजॉय कीजिए और प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। यहाँ है देखिए, इसमें देखिए सांप भरा हुआ है, इसमें देखिए सांप भरा हुआ है, इसमें देखिए बहुत सारे सांप, साथ ही सांप के बच्चे हैं, यानी ये सांप अपना प्रजनन स्पीड से कर रहा है। देखिए इधर कितनी बड़ी सांप है, कितनी बड़ी सांप है, कौन सा सांप है, धामिना है ये, देखिए यहाँ लिखा हुआ है धामिना। तो ये सांप है, चिड़ियाघर का नज़ारा आप देख रहे हैं भैया, अजगर एक और अजगर देखिए, यहाँ पे भी अजगर देखिए, किससे अजगर है, तो अजगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सांप देखे ना, बहुत शानदार सांप है, विशाल विशाल। कैसा लगा बताइएगा, कौन सा सांप आपको सबसे डेंजर लगा, देखिए पीछे देख लीजिए। चलिए और भी नज़ारा दिखाते हैं, बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। इससे बाहर अब चलते हैं, दिखाते हैं अभी कुछ है तो, इधर तो बंद है बात, कुछ और भी यहाँ पे देखते हैं क्या है, दिखाते हैं आपको भी क्या है इसमें, देखते हैं कुछ भी तो नहीं है यार। चलिए और भी आगे दिखाते हैं, बहुत कुछ शानदार नज़ारा चिड़ियाघर का, अभी भी है जानवर, बहुत सारे जानवर हैं अभी यहाँ पे, जानवरों को नहीं छेड़े ऐसा कुछ नोटिस। इसमें दिखाते हैं कुछ इस तरह से, वो जानवर है बहुत ही बड़ा पक्षी है, कौन सा पक्षी है ये देखिए, सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है भैया, शुतुरमुर्ग है। एक इधर है, एक उधर है, इधर भी है, नहीं नहीं सोया हुआ है, तो ये शुतुरमुर्ग देखिए पास से, लो भाई लो, चिड़ियाघर का शानदार नज़ारा, एक कार्य चल रहा है, इसके बाद जानवर इसमें आएंगे। ये देखिए यहाँ पे भालू, हेलो भालू, एक ही है, एक ही है, पढ़ सकते हैं, भालू का आयु 25 वर्ष अप्रोक्स होता है। आगे चलिए, इधर तो बंद है, यहाँ पे एमू है, एमू का ये देखिए, एमू पक्षी है, उसको चलिए दिखाते हैं। तो ये एमू बर्ड है, देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं, ये लोग अच्छे से प्रजनन कर रहे हैं, अपना संख्या वृद्धि कर रहे हैं, तो आइए अभी देखिए, अभी आप एमू देखे हैं, आइए इधर भी कुछ दिखाते हैं आपको, इससे बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी आपको दिखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे पक्षियाँ, मैनी भी है और भी बहुत सारे पक्षियाँ यहाँ पे इसमें हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ बहुत सारे हैं, बत्तख हैं, अश्लील हरकत ना करें, ये देखिए बहुत सारे पक्षियाँ इसमें हैं, बहुत सारा जाल लगाया हुआ है जिसकी वजह से क्लीन नहीं दिख पा रहा है, बहुत विशाल। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको, चलिए अंदर चलते हैं दिखाते हैं, वाह हाउ सीट, क्या शानदार नज़ारा है, देख लीजिए उल्लू, बगल में देख लीजिए, ये देख लीजिए साहिल, हेलो कुत्तो, नहीं डियर, अच्छे अच्छे, हॉरर जगह है, भूत है इसमें, आओ भूत, देखिए ये गुफा है भूतों का, इसमें है साहिल, जीता साहिल, देखिए साहिल है, आगे चलिए, वाह बहुत ही डेंजर, जैकल इसमें है लिखा हुआ है, लेकिन जैकल है किधर भाई, दिख नहीं रहा है, क्या कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए फिश उल्लू, सॉरी फिश ऑल, फिश ऑल यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये हॉरर गुफा, इसमें क्या है भाई, उल्लू है, इधर अंधेरा में उल्लू, इधर क्या है, चमगादड़ है, लेकिन चमगादड़ है किधर, अच्छा एक उधर चिपका हुआ है, और इसमें क्या है,
इसमें इंगल उल्लू है, किधर है पता नहीं किधर है। हो ये नज़ारा है तो कैसा लगा? और भी शानदार नज़ारा आपको दिखाते हैं, चलिए आगे। बहुत कुछ अभी बाकी है, बने रहिए वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतने प्रकार के पक्षियाँ यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, और है भी क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्षियाँ हमको दिख रहे हैं। अभी आइएगा तो देख सकते हैं। अरे भाई बंदर, इसमें बंदर है, बंदर को इतने कस्टडी में क्यों रखे हो भाई? लंगूर है इसमें, लंगूर किधर है? ये देखिए लंगूर है, कुछ कुछ खा रहा है, इसे ला ला के लोग दे रहे हैं। वैसे इसको कुछ देना मना है यहाँ पे, बाहर का सामान। अभी लंगूर देखे आप, अब आगे दिखाते हैं कुछ और भी आपको। इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली है। चलिए आगे चलते हैं। टॉय ट्रेन है, आप टॉय ट्रेन से भी सफ़र करके घूम सकते हैं। पहले ये ट्रेन पटरिए चलती थी, लेकिन अब देखिए इसको नीचे लाया गया है। ये देखिए इस ट्रेन से आप सफ़र करके घूम सकते हैं। पहले इस ट्रेन से ये जो दिख रहा है, इससे मतलब ये टिकट काउंटर था पहले, जो स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे, और इसी से पूरा जितना भी चिड़ियाघर है उसको एक्सप्लोर किया जाता था, दिखाया जाता था। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। अब इसे देखिए इंजन को सिर्फ ऐसे रख दिया गया है, पहले यही स्टेशन हुआ करता था। आपको दिखाते हैं, देखिए वो सब आपको वहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ट्रेन। इसी ट्रेन से आपको चारों तरफ घुमाया जाता था, ये स्टेशन था। यहाँ से आप इस देखिए पटरी है, इस पटरी से आप पूरे चिड़ियाघर का नज़ारा देख सकते थे। लेकिन अब इसे सिर्फ बंद कर दिया गया है, अब इससे ट्रेन नहीं चलती है। अब वही जो रोड पर दिखाएं वही वैसा ही ट्रेन चलता है। तो ये स्टेशन हुआ करता था चिड़ियाघर का, इससे आपको पूरे, और ये ऐसे पटरियाँ पूरे मतलब जितने दूर में है उसमें पूरे में लगाया गया है ऐसे ऐसे पटरियाँ, तो घूम सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। सफ़ेद मोर है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सफ़ेद मोर। पहले सब ये नहीं था, शिशु बाल उद्यान के नाम पर देखिए क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब जंगल जंगल बना दिया गया इसको। चलिए आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं, देखिए चारों तरफ का नज़ारा। वही पटरियाँ देख रहे हैं, ये ट्रेन इधर भी खड़ा किया गया है। तो पहले बहुत सारे ट्रेन चलते थे तो ये पटरियाँ लगाई गई थी, बट अब वो ट्रेनें चलती नहीं हैं। कुछ सामने देखिए यहाँ पर VTDAG प्लेन है, देख लीजिए। अंदर आइएगा तो आप भी देखिएगा। तो ए जू को अंदर से बहुत ही शानदार बनाता है नज़ारा ये प्लेन जो आपको लगा हुआ है। यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको मैनेज करके रखा गया है। चलिए इधर चलते हैं, दिखाते हैं और भी क्या है। बहुत कुछ है, गुलाब गार्डन है, हम देख रहे हैं आगे, इसमें गुलाब का ही फूल, कितने गुलाब गुलाब आपको इसमें क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या है। बगल में एयरपोर्ट है, इसमें री संघाई हिरन उछल कूद, यही डियर डांसिंग डियर है भाई, संघाई हिरन डांसिंग डियर मणिपुर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में जो दिखने को मिलता है वो यहाँ पे देखिए बिहार में। चलिए बगल में क्या है दिखाते हैं। इधर देखिए यहाँ पे देखिए जानवरों का खजाना ना, सबसे प्रगति जानवर तो अभी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। अरे अरे जानवर देखोगे, सबसे कष्ट वाला जानवर ये देखिए, बहुत सारे कितने सारे जानवर यहाँ पे हैं। ये लोग अच्छे खासे अपना संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। हिरन है बहुत सारा, सांभर है, ये सांभर यहाँ देखिए पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश अलग अलग इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या है इसमें जी, खतरा लिखा हुआ है, खतरा 440 वोल्ट, कृपया दूर रहें। चलिए देखते हैं वो सब, शायद जानवरों को इधर बाहर ना निकले इसके वजह से इसमें करंट दिया गया है, जिसके वजह से ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट एक चीज़ दिख रहा है वहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा वो देखिए वहाँ पे शायद कोई जानवर है, बंदर की तरह ही है, ब्लैक बंदर है ये ब्लैक मंकी। ओह उसको भी नींद आ रहा है शायद, ये पानी है, इस पानी में ज़रूर होगा। अगर आप घूमते घूमते थक चुके हैं तो यहाँ रेस्टोरेंट है, आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं, और सबसे शानदार लास्ट पार्ट होगा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।